दुनिया में असंख्य विद्रोह मानवाधिकारों के लिए किए जाते हैं। अधिकारों के हनन और जुल्म के खिलाफ नैतिक तरीके से मोर्चा खोला जाता है। हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। अगर धर्म के लिए हिंसा भी करना पड़ा देश के लिए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सत्ता की भूख में धर्म को अनैतिकता का ताज पहनाकर भोली भाली जनता को अंध भक्तों के रूप में एक मारक हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जिन नौजवानों के गले में डॉक्टरी का आला होना चाहिए वो गोलियों की माला पहनकर टिकटॉक कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिसका अंजाम यही है। The crowd ran away, but it came out totally opposite. The police started beating us. गुनाहों के सबूत मिटाते मिटाते जुल्मों के निशान छूटी जाते हैं। यदि ऐसे निशानों को समय पर पहचान लिया जाए और समझा जाए तो भविष्य में इसी तरह के स्याह काले दागों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। कला प्रस्तुति लोगों की सोई हुई चेतना को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। हिटलर का यहूदियों पर किया गया जुल्म, भारत के 84 के दंगे, जलियांवाले बाग का नरसंहार, 2002 में गुजरात दंगे, भारत पाक विभाजन में हुए कोहराम, इन सब घटनाओं को चाहे कई दशक बीत गए परंतु जिन लोगों ने इन कष्टों को सहा चाहे वे भी इस दुनिया से चले गए पर विरासत में मिला दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी उसी प्रकार चला रहा है। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। इस तरह की गतिविधियों से दोनों ओर के पक्षों को तार तार और दागदार होते देर नहीं लगती। इसी तरह धीरे 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 आप लोकतंत्र हारते जा रहे हैं। दिल्ली में भी दो बॉर्डर्स हैं जहां पर ज्यादा लोग प्रदर्शनकारी बैठे हैं। इतिहास गवाह है इस प्रकार की गतिविधियों से कभी भी किसी समाज का भला नहीं हुआ।
बिना विचारे की गई इन गतिविधियों के दिल कपा देने वाले भयानक परिणामों को दिखाने और अनैतिक लोगों को नतीजों का आईना दिखाने का प्रयास इस कला प्रस्तुति के द्वारा इस आशा से कर रहा हूँ कि शायद इन पत्थर दिल लोगों की भीड़ में किसी एक का जमीर जाग जाए और उसका गलत कार्यों से हृदय परिवर्तन हो जाए।